Okay dear in the next slide that is the kinds of banks. Kinds of bank me first we are discussing the central bank. So what is the central bank? Central bank is the most important bank in a country. Her country may ek central bank hota. Hai. और हर कंट्री में ये एक प्रॉमिनेंट रोल प्ले करता है वो पाकिस्तान हो गया वो इंडिया हो गई वो कोई और कंट्री हो गया तो हर कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है और उसी सेंट्रल बैंक के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं तो उसके लिए उसको यूज़ करता करते हैं ये एक हेड होता है सारे बैंक का इट इज़ हेड ऑफ ऑल द बैंक सारे बैंक का ये हेड होता है सारे बैंक को ये कंट्रोल करता है इट इज द सुपरवाइजर ऑफ द बैंकिंग एंड द मोनिट्री सिस्टम ऑफ द कंट्री इसका मतलब यह हो गया कि एक तो ये जो स्टेट बैंक होता है ये हर कंट्री में होता है सारे बैंक का एक हेड होता है और सारे बैंक को कंट्रोल करता है सारे बैंक को रजिस्टर्ड भी करता है अगर कोई बैंक प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं करता या वो सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रक्शन को वायलेट वायलेट करता हो तो वो फिर उसको ब्लैकलिस्ट करता है ये अथॉरिटी होती है विद सेंट्रल बैंक दूसरे जो उनके पास अथॉरिटी होती है कि सेंट्रल बैंक इज ए एक्ट एज अ सुपरवाइजर वो एज ए सुपरवाइजर भी काम करता है बैंकिंग सेक्टर को भी सुपरवाइज करता है और जो मनी सर्कुलेशन होती है कंट्री में उसको भी सुपरवाइज़ करता है अगर फॉर एग्जांपल वो देता है कि मनी की सर्कुलेशन ज़्यादा है इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो सेंट्रल बैंक एक पॉलिसी बनाता है जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी उस पॉलिसी के थ्रू वो क्या करते हैं कि वो इस सर्कुलेशन ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं और उस पॉलिसी में दो किस्म के टेक्निक्स यूज होते हैं एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और दूसरा जो है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो सेंट्रल बैंक थ्रू पॉलिसी इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हैं और इसके थ्रू वो सर्कुलेशन ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं और कोशिश करते हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द कंट्री ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, uh, है यह किसी और बैंक के पास नहीं होती ये सिर्फ स्टेट बैंक के पास होती है स्टेट बैंक की अपने एक मोनोपली भी है मोनापली ऑफ प्रिंटिंग न्यू नोट्स और किसी के पास ये मोनोपली नहीं ये सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है कि वो न्यू नोट्स को पेपर मनी स्पेशली पेपर मनी पेपर मनी को प्रिंट करें कितना प्रेम वो उसका एक है ऑन द गोल्ड एंड रिजर्व कि इसके बेसिस पे वो इतना प्रिंट कर सकते हैं लेकिन ये अथॉरिटी किसी के पास नहीं किसी और बैंक के पास भी नहीं इवन के गवर्नमेंट के पास भी नहीं कि वो पेपर मनी को प्रिंट करे तो उनके एक प्रॉपर्टी सेंट्रल बैंक की यह भी है कि उनके पास ये मोनोपोली होती है कि वो प्रिंट करते हैं न्यू नोट्स को और जिस तरह मैंने कहा ऑलरेडी कि इट्स कंट्रोल द सर्कुलेशन ऑफ द मनी इन द कंट्री टू ब्रिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द कंट्री तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रमिनेंट रोल करता है सो दीज आर द फंक्शंस दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंट्रल बैंक जो कि और किसी बैंक के पास ये प्रॉपर्टीज या ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता इसको कहते हैं सेंट्रल बैंक नेक्स्ट जो हमारे पास है जिसको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो प्रॉपर्टी है या जिस वजह से हम उसको कमर्शियल बैंक कहते हैं तो यह है कि दैट इज़ रिसीविंग डिपॉज़िट्स वो लोगों के डिपॉज़िट को रिसीव करता है लोगों के पास जो सरप्लस मनी होती है जो सेविंग होती है तो वो लोग वहां पर बैंक जाके वहां पर डिपॉज़िट करता है क्योंकि जो जिनके पास पैसा होता है या जिसको हम इन्वेस्टर कहते हैं जिनके पास सरप्रस अमाउंट होती है फंड्स होती है उनके पास तो उसमें उसके जहन में दो चीज़ें होती है हर एक के जहन में होती है एक तो ये होती है कि मेरी अमाउंट द प्रोम जो प्रिंसिपल उसका वो है ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ हो मेरे फंड सेफ और दूसरा ये कि मुझे उस पर रिटर्न मिले तो बैंक इज द कमर्शियल बैंक इज द बिग प्लेटफॉर्म फॉर द इन्वेस्टर टू मेक द डिपॉजिट वहां पर जब वो डिपाल करें तो एक तो ये कि उसकी अमाउंट भी सेफ हो दूसरा ये कि उसको रिटर्न भी मिलता है इंटरेस्ट तो यहां पे ये डिपॉजिट रिसीव करता है कमर्शियल तो ये फेसिलिटी ये प्लेटफॉर्म कौन ऑफर करता है ये कमर्शियल बैंक ऑफर करता है तीन किस्म के डिपॉजिट वो रखता है टाइम डिपॉजिट जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट रखता है और करंट अकाउंट रखता है ये थ्री किस्म के अकाउंट्स वो रखते हैं हर बैंक में ये होता है थर्ड जो उसका फंक्शन है कमर्शियल बैंक का ये जिससे हम उसको जानते हैं कि दिस इज द कमर्शियल बैंक तो वो ये है कि दैट इज एडवांस लोन मुख्तलिफ किस्म के लोन ऑफर करता है लोन कहां से लोन के पैसे उनके पास कहाँ से आते हैं इन लोगों की डिपॉजिट जो होती है उसी को वो उठाते हैं और जिन लोगों को जरूरत हुई वो गवर्नमेंट हो गया वो बिजनेसिस हो गई वो हाउस होल्ड हो गया वो इंडिविजुअल हो गया उनको ये एज अ लोन ऑफर करते हैं और वो लोग जिसको ऑफर करते हैं जिसको हम बार बार कहते हैं वो उसी को यूटिलाइज करते हैं और अपने बिजनेस एक्टिविटीज या अपने और कमर्शियल एक्टिविटीज को क्या करते हैं उससे कंटिन्यू करते हैं अपने उस एक्टिविटीज में जान डालते हैं इन्हीं फंड से तो यहां पर ये ये फैसिलिटी भी ऑफर करते हैं उन लोगों को भी ऑफर करते हैं दोनों सेक्टर को फैसिलिटी ऑफर करते है तो उन लोगों से वो क्या करता है जिसको वो एज अ लोन देते हैं बैंक तो उनसे इंटरेस्ट लेता है और फिर इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट पे करता है टू तो द डिपॉजिटर तो दिस आल्सो अ वेरी गुड फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक जो उसका नेक्स्ट जो है दैट इज इंक्रीज मनी सप्लाई थ्रू क्रेडिट क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन ये मनी सप्लाई को ज्यादा करते हैं डिपॉजिट क्रिएशन के थ्रू या क्रेडिट क्रिएशन के दोनों सेम चीज है डिपॉजिट क्रिएशन भी हम उसको कह सकते हैं और क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं डिपॉजिट क्रिएशन क्या होती है फॉर एग्जाम्पल मैं डिपॉजिट करता हूं पैसे बैंक में जब मैं पैसे डिपॉजिट करता हूं तो वहां पे अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अपने डिपॉजिट से ज्यादा मुझे पैसे चाहिए तो मैं एक ओवर ड्राफ्ट क्रिएट करता हूं अब जो वो फैसिलिटी बैंक मुझे ऑफर करता है तो बैंक मुझे कहता है कि आप अपना अकाउंट अगर पहले से अकाउंट हो तो इट्स ओके लेकिन अगर नहीं हो तो वो कहते हैं कि अपना अकाउंट यहां पर हमारे बैंक में ओपन करो तो जो बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो वहां पर उनकी को जो लोन देते वो लोन कैश में नहीं रहते उसके हाथ में तमा दे बल्कि वो उनके अकाउंट में जमा होती है तो ऑलरेडी एक तो ये कौन होने जो उनको दिया वो भी उनके पास होता है और दूसरी उस पर कर्जा भी उस बंदे पर होता है तो इसकी वजह से जब दूसरा बंदा आता है वो करते है तो उसको भी कहते हैं कि यार यहां पर आप अपने अकाउंट खोलो जब वो अपने अकाउंट खोलेगा उसको लोन देगा वही लोन उसके अकाउंट में जमा हो तो यहां पर ये एज अ बे, उस बैंक के लिए एक लाइबिलिटी भी है और कस्टमर के लिए भी लाइबिलिटी यानी बैंक को दोनों फायदे होते हैं। एक तो ये कि उनके पास बारवर्ड से भी इंटरेस्ट लेगा पैसे भी पास पड़े और पैसे उनको वो आगे यूटिलाइज भी कर सकता है तो यहां पर दिस इज वर्ट दिस इज कॉल्ड द डिपॉजिट क्रिएशन आर द क्रेडिट क्रिएशन जिसके थ्रू वो मनी को जनरेट करता है या उसकी सर्कुलेशन ज्यादा होती है सेफ कस्टोडियन ऑफ द वैल्यूएबल थिंग्स जो कि वो चीज़ें जो बहुत वैल्यू रखती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वेलरीज हो गया पैसे हो गए और प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स हो गए तो बैंक एक फैसिलिटी ऑफ़र करता है अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र करता है कि वो यहाँ पर अपना लॉकर भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पर अपनी ज्वेलरीज भी रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इस तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रख सकते हैं एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एजेंसी सर्विस और ये भी कि कमर्शल बैंक एजेंसी सर्विसज़ भी प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को फॉर एग्ज़ाम्पल उनके बिहाफ़ पर यूटिलिटी बिल्स एक्सेप्ट करता है उनके बिहाफ़ पर क्या करता है कि डिविडेंड रिस्यूव करता है उनके बिहार पे क्या करता है कि वहाँ पर जो कि इनकम जिस सोर्स से भी आती है वह उसके अकाउंट में जमा हो होती है तो ये एजेंसी सर्विसज़ भी प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहां पर ये फैसिलिटी भी ऑफर करते हैं कि दैट इज़ द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी लोग इसके थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ड्राफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं चेक के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़रिंग उसकी हो सकती है तो दिस इज दीज आर द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक और वो बैंक जो इस किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है या इस किस्म का प्लेटफॉर्म ऑफ़र करता है उसको कहते हैं कमर्शियल बैंक I hope it's well clear to you people.